हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का समीक्षा पब्लिकेशन के चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। आज डेट है 16 नवंबर 2018। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13th एडिशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया और ईस्ट एशियन जो समिट हुई वो सिंगापुर में हुई। आसियान की जो 33rd समिट चल रही है उसके साथ, और जो ईस्ट एशियन समिट होती है उसमें 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्टर्न रीजन से, और जिसमें कि रशिया और यूएसए भी इंक्लूडेड रहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। चलिए हम देखते हैं आगे। इसमें जो 18 नेशंस हैं ईस्ट एशियन समिट में, वो कौन कौन से होते हैं? पहले तो 10 आसियान नेशन जो हम पढ़ चुके हैं, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। फिर उसके साथ साथ जो हमने आरसीईपी के मेंबर्स देखे थे, जैसे कि इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो नेशन हमने देखे थे ये किसके थे? आरसीईपी के 6 मेंबर्स थे। और इसके साथ साथ ईस्ट एशिया समिट में हमारा रशिया और यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है। तो ईस्ट एशियन समिट में आरसीईपी प्लस यूएसए एंड रशिया ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भूलना नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इन सबकी समिट, आसियान की, आरसीईपी की और ईस्ट एशियन समिट, ईस्ट एशियन समिट, 13th ईस्ट एशियन समिट, ये सब कहां पे हुए? सब सिंगापुर में हुए। चलिए आगे देखते हैं। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जिनका नाम है सतपाल सिंह, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सतपाल सिंह ने क्या लॉन्च किया है? उन्होंने 2 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जो कि है लीप और अर्पित। लीप इज लीडरशिप फॉर एकेडमिक प्रोग्राम, अर्पित इज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। इसमें क्या क्या होने वाला है? ये दोनों ही प्रोग्राम हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए हम देखते हैं लीप क्या करेगा। लीप क्या होगा? इसमें 3 वीक का ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो कि सेकेंड लेवल के एकेडमिक फंक्शनरीज को दिया जाएगा। मतलब कि ये जो लीप होगा वो द्विस्तरीय शिक्षक कार्यकर्ता जो होते हैं उनको 3 हफ्ते का एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो बेटर और वर्क करें। और अर्पित जो होगा, ये जो अर्पित स्कीम है, अर्पित स्कीम में क्या होगा कि 15 लाख जो उच्च शिक्षा के जो फैकल्टीज है उनको प्रिपेयर किया जाएगा फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में इंग्लैंड के एक फुटबॉलर है जो कॉल, जो कि 37 ईयर के हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम द फुटबॉल इटसेल्फ। और इन्होंने 2002, 2006, 2010 का वर्ल्ड कप खेला था। हाँ, तो फ्रेंड्स एक और न्यूज है जो कि फुटबॉल से है। बार्सिलोना फुटबॉल टीम के जो स्टार प्लेयर्स हैं, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इनको फीफा की तरफ से वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। फीफा क्या है? फीफा जो है वो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। और क्या बोलते हैं, इस बार फीफा की तरफ से फेयर प्ले अवार्ड जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर बॉबी रॉबसन को मिला है, और साथ ही साथ जो फीफा का प्रेसिडेंशियल अवार्ड है वो मिला है जॉर्डन की क्वीन रायना को, टू कंट्रीब्यूट इन द फुटबॉल और सोसाइटी में जो फुटबॉल के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए, इन सब के लिए। तो हमें क्या क्या याद रखना है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर इज मेसी,
जो कि अर्जेंटीना से है। सेकेंड हमें याद रखना है जो फीफा फेयर प्ले पुरस्कार है जो वो किसको मिला है, बॉबी रॉब्सन। और जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड है पुरस्कार है वो किसको मिला है, जॉर्डन की क्वीन रानिया को। फीफा का हेडक्वार्टर का है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। 75 रुपी का कॉइन जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फर्स्ट टाइम तिरंगा फहराए जाने की अवसर के 75 ईयर कंप्लीट होने के सम्मान में ये रिलीज किया जा रहा है। ये सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कैंसर रिसर्च यूके के द्वारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया से और ये कैंसर रिसर्च यूके से इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। किसके लिए, कैंसर की फील्ड में रिसर्च के लिए। इसमें ये 5 ईयर का बायलेटरल मतलब 5 वर्ष द्विपक्षीय शोध पहल है। इसमें कैंसर से रिलेटेड रिसर्चेस होंगी। नेक्स्ट न्यूज, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद और इलाहाबाद डिवीजन का नाम अयोध्या और प्रयागराज रिस्पेक्टिवली, मतलब कि फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया। और इससे पहले जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार को मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर चुकी है। नेक्स्ट न्यूज आज के ही पेपर द हिंदू में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को जजों की रिक्रूटमेंट मतलब कि जजों की नियुक्ति ना करने के लिए फटकार लगाई है स्टेट्स में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस मैप में, मेघालय में सबसे ज्यादा जजों की जो सीट है वो खाली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर उसके बाद बिहार में। ये 3 राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा जजों की सीटें खाली है। पूरे देश में ओवरऑल 24% जो जुडिशियल पोजीशन है लोअर कोर्ट्स में वो खाली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंतन, वैसे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हमारे जुडिशियरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, तो इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट्स को फटकार लगाई है। हम जैसा कि जानते हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजेस अपॉइंट किए गए हैं, जिसके बाद जो टोटल जजों की संख्या है वो 28 हो गई है, जो आज तक की मैक्सिमम संख्या है। अभी तक इतने ज्यादा जजेस कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किए गए, अभी तक ये मैक्सिमम, लेकिन होनी कितनी चाहिए 30+1, मतलब कि 30 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, लेकिन अभी 28 जजेस हैं जिसमें कि 27+1 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी के वो रंजन गोगोई हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आए पहले चीफ जस्टिस हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज एग्जाम रिलेटेड जान पाए और उनको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।